तो राइज मोटो के टायर यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है। मैं अपनी सारी ही बाइक में राइज मोटो के टायर डालता हूँ। जैसे ये मेरे पास यामा MT-15 है, इसमें मैंने डाला है, इधर पास आके दिखाओ, ये देखो राइज की ब्रांडिंग, इसमें मैंने डाल के रखा है राइज का ट्रेस आर टायर। काफ़ी ज़बरदस्त टायर है, इसमें मैंने तकरीबन कह सकते हो आपके 3-4 महीने पहले डाला होगा। इसके पहले मैंने अपने क्लासिक 350 में टूर आर डाल के रखा है, जो कि एक टूरिंग फ्रेंडली टायर है। अपनी जो एक्सपल्स है उसमें ट्रेल आर डाल के रखा है, जो कि एक ट्रेल ओरिएंटेड टायर है। स्कूटर में भी इवन मैं राइज मोटो के ही टायर यूज़ करता हूँ। जैसे मैं अपनी ओला में ट्विस्ट आर डाल के रखा हूँ, और जो एक्सेस है मेरी एक्सेस सुजुकी एक्सेस, उसमें ट्रिप आर डाल के रखा। तो कुल मिला के अपनी सारी ही बाइक में राइज के ही टायर यूज़ करता हूँ। इवन मैंने अभी रिसेंट में मेरे जो डिलीवरी बॉयज की जो बाइक्स हैं कम्यूटर बाइक, उसमें ट्रू पार डाला है ना, स्पोर्ट्स में डाला था और डिलक्स में डाला था, हीरो डिलक्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं राइज मोटो के टायर एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो आज की वीडियो में राइज मोटो के बारे में ही आपको बताऊंगा, और क्यों ये बेस्ट टायर है अभी टू व्हीलर्स के लिए वो आपको इस वीडियो में पता जाएगा। क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना बाइक्स की बात करते हैं, मैं पर्सनली ज़्यादातर बाइक्स की बात करता हूँ, बट टायर्स वगैरह की बात होती नहीं है। तो आज की वीडियो में टायर की ही बात होगी, क्योंकि देखो बाइक्स अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, इवन अच्छी हैंडलिंग चाहिए ना, टायर्स अच्छे होने ही चाहिए। सब कुछ अच्छा है, टायर बेकार है पूरा काम खराब हो जाएगा। अब देखो पर्टिकुलर पहले इस टायर की बात करता हूँ। तो ये है राइज मोटो का ट्रेस आर टायर, और जब मैंने MT खरीदी थी उसके सेम डे ही मैंने टायर को चेंज कर दिया था और ये टायर डाला था। ये टायर डालने के बाद सडन मुझे इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिला। ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो गया है ना, ट्रैक्शन अच्छा मिलने लगा रोड में, वेट रोड में इवन बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी ये टायर्स के बाद है ना। तो क्लियरली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये टायर हाइली रिकमेंडेड है अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स काइंड ऑफ बाइक है या स्ट्रीट काइंड ऑफ बाइक है, जैसे MT है या फिर R15 है या फिर बड़ी बाइक्स भी हैं, उसके लिए भी अलग अलग साइजेस में आते हैं। याद हो आपको मैंने एक वीडियो करी थी एक्सपल्स का, जब मैं ऑफ रोड कर रहा था तो उस टाइम भी मैंने ट्रेल आर डाला था राइज मोटो का। ट्रेल आर डालने के बाद भाई ऑफ रोडिंग में एक नेक्स्ट लेवल की एक कमाल की ग्रिप मिल रही थी। तो कुल मिला कहना यही है कि किसी भी टाइप की अगर आपको टायर्स चाहिए तो राइज मोटो आप एक बार कंसिडर कर सकते हो है ना। अलग अलग टाइप्स के टायर्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टायर ही है, अलग अलग टाइप्स के हैं और अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। इवन जो इनका बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है भाई, ये जो टायर हैं आप इनको कंपेयर करने जाओगे मार्केट में दूसरे ब्रांड के कंपेरिजन में तो ये सस्ते ही मिलेंगे, लेकिन रिलायबल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टायर हैं। कमाल की बात यह है यूरोपियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया के लिए ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसी के साथ 6 साल की वारंटी मिलती है। और इनके सारे ही टायर में वाटर चैनलिंग बड़ी अच्छी करी गई है, कॉर्नर में स्टेबिलिटी बड़ी अच्छी मिलती है, जैसे पर्टिकुलर इस ये टायर में ना कॉर्नरिंग बड़ी कमाल की मिलती है। इवन याद हो मैंने जब एक ट्रू पार टायर डाला था अपनी स्पोर्ट्स में, तो ट्रू पार जो फ्रंट वाले टायर थे वैसे टायर्स आपने देखे नहीं होंगे, या मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ से आप देख लेना। ये टायर का फायदा ये हुआ कि मेरे डिलीवरी बॉयज़ का कहना यह है कि जब वो वेट रोड में चलाते हैं ना, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उनको अभी कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। पहले लूज़ रहता है, पहले रहता था यार कहीं बाइक इधर उधर ना हो जाए, लेकिन अभी उनका कॉन्फिडेंस प्रॉपर रहता है ना। और मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक लॉन्ग टर्म एक साल का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो छोटी सी वीडियो में बता दी जाए। सभी टायर्स का रिव्यू मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी अलग अलग टायर की जो वीडियोज़ मैंने करी हैं, रिव्यूज़ करे हैं, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा है, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे आपको अगर टूरिंग के लिए देखना है अपनी रॉयल इनफील्ड के लिए, उस वीडियो को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने पूरा दिखाया है भाई क्या क्या ट्रेड पैटर्न्स हैं, कैसे वाटर चैनलिंग है, क्या क्या कंपाउंड यूज़ हुआ है, वो देख सकते हो। ये पर्टिकुलर टायर का भी डिटेल रिव्यू है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना है ना। तो यही है, वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। राइज मोटो का कोई भी टायर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके खरीद सकते हो। राइज मोटो का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी दे दूंगा, तो कोई क्वेरी हो तो आप राइज से सीधा बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके। और हाँ, ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल, इवन ये स्टोर्स में भी आ गए हैं, तो स्टोर्स में भी आप देख सकते हो, नियरेस्ट कहीं राइज का अगर स्टोर हो गूगल कर सकते हो, वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर बाइक की बात करें तो इसका भी रिव्यू है चैनल पे, तो वहाँ से आप जाके इसका रिव्यू भी देख सकते हो। बहुत कुछ मैंने बताया है, प्रोज एंड कॉन्स भी बताए हैं। तो बस यही है छोटी सी वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।